वरिष्ठ पत्रकार की हत्या पर पत्रकार समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार समाज कल्याण समिति रजिस्ट्रेशन के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में देश के पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले को देखते हुए हाल ही में गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार को सोमवार रात विक्रम जोशी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां इलाज के दौरान बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई थी। हत्याकांड को लेकर आज देश के समस्त मीडिया कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए पत्रकार समाज कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी अशोक कुमार यादव को संबंधित ज्ञापन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दिया। अभी आप लोग यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं, आपने ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? जैसे कि हमारे साथी आदरणीय श्री संतराम भाई साहब जी ने बताया है कि इस समय जो कि चतुर्थ स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया कर्मचारी कहलाता है, जो मीडिया कर्मी होते हैं जो अपनी जान जोखिम पर डालकर आंधी तूफान इत्यादि का ध्यान रखते हुए हर हमेशा वो कवरेज करता है और शासन प्रशासन को जागृत भी करता है कि इस प्रकार की घटना गाँव में देहात में शहर में हो रही है। अगर मीडिया कर्मचारी के माध्यम से ही आपको घर बैठे हर प्रकार की सुविधाएं मिल पाती है तो क्यों इनके साथ अत्याचार हो रहा है? आप देख पा रहे हैं इस समय गाजिया में जो एक बड़ी घटना घटित हुई है, हमारे साथी आदरणीय स्वर्गीय श्री जोशी जी का हत्या कर दी जाती है और उनको बड़े ही उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी शासन चुप है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ में? आज हम लोग मीडिया कर्मचारी सब लोग इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम बात अपनी शासन तक पहुँचा सके और हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इसी के साथ साथ हर जगह हर क्षेत्र में ज्ञापन दिया जा रहा है और शासन को जागृत किया जा रहा है कि हम लोगों के लिए ही कुछ ऐसे व्यवधान किया जाए ताकि हम लोग भी अपने अच्छे तरीके से कवरेज कर सके और हमारी सुरक्षा बनी रहे। और आप देख पा रहे हैं कि हर क्षेत्र में चाहे वो चुनाव हो चाहे हर समय मीडिया को ही ध्यान दिया जाता है, मीडिया ही हर प्रकार की गतिविधि आपको बताती है। राजनेता है घर बैठे उनको कहां पर कौन सी समस्या है ये कौन बताता है? मीडिया ही बताता है। फिर मीडिया के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए पर हम लोगों ने यहां पर आए हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो जोशी जी हैं उनके परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिले और जो भी इसके दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके साथ और उनके हो सके उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जय हिंद। आप पत्रकारगण उप जिलाधिकारी के यहाँ आए हुए थे, आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? हम लोग पत्रकार कल्याण समिति से हैं और प्रदेश में बढ़ रही पत्रकारों के प्रति घटनाओं को लेकर के चिंतित हैं। यहाँ जहाँ एक ओर योगी सरकार पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करा रही और उनके उनके सम्मान देने की बातचीत कर रही है, वहीं गाजियाबाद में विक्रम जोशी जी को दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि अपराधियों को आप देखिए, अपराधी जो है 8-8, 10-10 पुलिस कर्मियों की हत्या बल कर देते हैं और उनकी हवेलियां गिरा दी जाती हैं, उनके उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन पत्रकारों के प्रति बढ़ रही घटनाओं के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। हम जो है पत्रकार कल्याण समिति के लोग मांग करते हैं कि विक्रम जोशी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए, उनके एक जो है परिवार में कम से कम सरकारी नौकरी दिलाई जाए और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पत्रकार किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं लेते हैं, पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करते हैं, इनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार का जो है ये करना भी चाहिए। योगी जी ने कई बार जो है टीवी चैनलों में आया हुआ है कहा है कि हम जो है पत्रकार के जो है प्रति संवेदनशील हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जो हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है और आशा करते हैं कि प्रदेश सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस पर जल्द ही कोई एक्शन लेते हुए अपना रुख स्पष्ट करें।